क्योंकि देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में हर तरह की आपको वेदर्स मिलते हैं, हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, बट बात यह है कि जब बर्फ़ की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आता है। हमारे पास और भी जगह है, मनाली है, औली है, बट कश्मीर में जो अपनापन, कश्मीर में जो एक सादगी, कश्मीर के लोगों में जो एक प्यार मोहब्बत, यहाँ के जैसे भी द्रंग के भी कुछ लोग हमारे आसपास कुछ भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी मदद की हमारी, हमारे गाइड इरशाद, हमारे ड्राइवर साहब सब मतलब इतने दिलदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसीलिए ये बोलूँगा कि कभी भी आए द्रंग ज़रूर आए, कश्मीर ज़रूर आए, और जब तक आप आएंगे नहीं आप नहीं समझ सकते कि मेरे जज्बात क्या है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक ही मैसेज है कि जितने गाने आपने अभी तक शूट किए हैं, जितनी भी फिल्में शूट की है यहाँ पर, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असल पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, ऊपर वाले की रहम रहेगी तो खूब जल्द हम भी आपको एक फिल्म इसी के ऊपर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों में प्यार और अपनापन कितना है। मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसी जगह हमारे पूरे देश में नहीं है, हमारे पूरे देश के हमारे दुनिया में नहीं है, हम इसके सामने यूरोप स्विट्जरलैंड सब फेल है। सबसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ? यहाँ पे यहाँ की जो स्नोफॉल, यहाँ की ठंड जो कहीं नहीं मिलेगी आपको स्विट्जरलैंड में भी नहीं मिलेगी, और ये अपनापन जो यहाँ के लोग है, ये अपनापन आपको दुनिया के पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, आप बाहर भी जाओ आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालात तो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अजनबी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अपने हैं, हर कदम पे साथ दिया है, चाहे ये छोटे से शॉप से लेके ये वादियों तक ने हमारा पूरा साथ दिया है, हमें पूरा सामानों का ख्याल रखा है, हमें गिरने से बचाया है, हमारे कपड़ों का ध्यान रखा है, लाइक ओन फैमिली। हमें अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा लगा, हम सबको रिकमेंड करेंगे कि यहीं पे आके विजिट करें। अमेजिंग, वी लव देम। मैं चाहूंगी कि सब आए, हर साल आए और यहाँ पे आके, सो प्लीज मैं सारे टूरिस्ट को बोलूंगी यहाँ पे आके विजिट करें, प्लीज आए विजिट करें, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। और अगर इस जगह पे आप विजिट ना किए तो आपने खूबसूरती को अपने लाइफ में देखा ही नहीं है। इस जगह को इसने मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटीफुलनेस ऑफ कश्मीर, जिस बर्फ, जिस मतलब हर एक चीज़ की खूबसूरती है, इसका पेड़ एक एक चीज़ से खूबसूरती है।